इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। टिफेनेक्पी टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए। आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लेना चाहिए। आपके दर्द के लेवल और आपकी ज़रूरतों के अनुसार आपका डॉक्टर आपकी डोज और डोज के बीच समय के अंतर को बदल सकता है। डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज से अधिक मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तेमाल न करें। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द, भूख में कमी, सीने में जलन और डायरिया, दस्त शामिल हैं। अगर इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट से आप परेशान हैं या समय के साथ वह ठीक नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपको वैकल्पिक दवा देकर या डोज को एडजस्ट करके आपका डॉक्टर इन साइड इफेक्ट को कम करने के या उनकी रोकथाम के तरीकों से आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है यह दवा हर किसी के लिए उचित ना हो। इसे लेने से पहले अगर आपको दिल, किडनी, लिवर से संबंधित कोई समस्या है या पेट के अल्सर हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है, अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। टिफेनेक्पी टैबलेट के लाभ। दर्द निवारक। टिफेनेक्पी टैबलेट का इस्तेमाल जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द, जलन और सूजन से कम अवधि की राहत के लिए किया जाता है। टिफेनेक्पी टैबलेट का इस्तेमाल रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द या कान और गले में दर्द जैसी कुछ समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। अधिकतम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए दिशा निर्देश के अनुसार ही लें। आवश्यकता से अधिक या अधिक समय तक यह न लें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर आपको सबसे कम पावर वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही ढंग से असर करे। यह आपको रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में और एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। टिफेनेक्पी टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। HIFNACP के सामान्य साइड इफेक्ट। मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द, एपिगैस्ट्रिक दर्द, भूख में कमी, सीने में जलन, डायरिया, दस्त। टिफेनेक्पी टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। टिफेनेक्पी टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।